তো সিক্রি হচ্ছে যোধাবাই প্যালেস, এখানে দেখতেই পাচ্ছ যোধাবাই প্যালেস লেখা। তো এখানে যোধা আকবর সিনেমা তোমরা সবাই দেখেছ মোটামুটি, তো সেই যোধাবাই প্যালেস হচ্ছে এটা। তো এই সিনেমাতে সিক্রিতে যোধা আকবরের শুটিং হয়েছে, পরদেশ সিনেমা শুটিং হয়েছে, লাল পাথর মুভি শুটিং হয়েছে, মুঘল আজমের শুটিং হয়েছে, অনেক সিনেমার শুটিং হয়েছে এখানে। দু সাইড সে স্টার্স और ये राउंड में लोटस टावर और ये विंडो है बालकनी, पता बुर सीकरी में इस पैलेस में देखने के लिए आपको मिलेगी। बट राजस्थान इज एवरी प्लेस, जोधपुर, जयपुर, उदयपुर, बीकानेर, झुंझुनू, सीकर, सौमत और जैसलमेर के अंदर। ये दरोगा के लिए इसके दूर के लिए पे किले की बाउंड्री है, तीन साइड पर, एक तरफ पानी का लेक, उसके अंदर 9 दरवाजे का, अकबर के लिए, 8 पब्लिक के लिए। ये जो पब्लिक के लोग यहाँ रहते हैं उस जमाने में बाउंड्री के बाहर रहा करते थे, पहले BVIP रहते थे। अब आपको इस किचन से शुरू करूंगा, राणा घर से किचन से। और आप जो पर्सनल डिजाइन किचन रॉयल किचन धूल दिखाई देता ना झुमका, हाँ। और ये चेंजिंग हुआ है ऊपर का हिस्सा, क्योंकि उस जमाने में ब्रिटिश ऑफिसर यहाँ रहा करते थे। इस पूरे इलाके को ब्रिटिश के साथ साथ इट डैमेज बाय जवाहर सिंह एंड मराठा पीपल ऑल्सो। ये सुनहरा महल का हाउस ऑफ द गोल्ड इज लूटेड बाय ब्रिटिश गवर्नमेंट। अच्छा, अब आपको सबसे सुंदर जगह देखेंगे यहाँ तानसेन घाट। ये हम चले से सिक्री भेतरे एकदम सामने जाच्छे आमादेर गाइड। ये सबसे ऊंची वाली इमारत, इसे पंचमहल कहते हैं, द 5 स्टोरी बिल्डिंग, इज सपोर्ट बाय कॉलम, हवा महल कहा जाता है, बुद्धिस्ट कल्चर पर बना हुआ है। उखने हिंदू रानी सूरज को पूजा करती थी, मुस्लिम रानी चांद देखा करती थी। शहनशाह को जब चन्नी रात का लुत्फ उठाना होता था मूनलाइट के वक्त पर, तमाम स्पेशल हरम के साथ इसी महल पे चल जाता था हवा के लिए, एंजॉय के लिए। और इसी के पीछे मीना बाजार, यहाँ रानी शॉपिंग किया करती थी। अच्छा, इसको सर्विंग प्लेस कहते हैं, द नेम ऑफ चार चमन। इस पूरी जगह को सजा दिया जाता था कारपेट और फ्लावर के साथ। दासियां यूनिक इतनी तादाद में रहते थे कि उन्हें डिफरेंट कलर में कपड़े पहना के इस तालाब की चारों दिशा पर बैठा दिया जाता था। आपने किताबों में पढ़ा होगा अकबर का सिंगर तानसेन, उन्होंने बैठ करके एक मल्हार दीपक राग और मुजरा हुआ करता था। राजा यहाँ बैठता था, रानी वहाँ खिड़की पे बैठा करता था और बाकी लेडीज स्कूल पे बैठा करता था। मगर गर्मी के टाइम पर शहनशाह महल के अंदर आराम करता था। ये देखिए, शहनशाह गर्मी के टाइम पर एक बेड पे सोता था। ये बेड है फातर का। ये दो साइड से यहाँ सीढ़ी लगा हुआ था चंदन घाट का। अच्छा, ये रोज वाटर से भर दिया जाता था। ऊपर का रास्ता गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने बंद किया है। अकबर छोटी हाइट का था, 5'4" नाटा था। ये स्पेशल रूम थे ईस्ट इंडिया के जमाने से बंद है। बड़ा रूम देखिए, पीछे बैरिंग थी उसकी अनऑफिशियल बाइक की, सेक्सी औरतें उस खिड़की से आती थी। ये दो पानी के टब, ये भी रोज वाटर से भर दिए जाते थे। रानी गर्मी में आती थी, लेट जाती थी। ये पूरा हिस्सा लास्ट से कवर था, जाफरी लगा हुआ था, जाफरी के उधर ड्यूटी लगता था लेडीज का और हिजरा लोग का, खोजा लोग का। महल को सपना महल कहते हैं। ये परदेश पिक्चर यहाँ बने, फंक्शन गाया करता था भाई। हमने देखिए, इत्र गुलाब रखने के लिए उत्तर प्रदेश की तमाम साइड से आया करता था, जिसमें कन्नौज का नाम नंबर 1 पर। मगर ये मैच सभी के लिए मेकअप के लिए, ये सब हाथ की कला है, कोई मशीन वगैरह नहीं। अंदर आ जाइए, अंदर आ जाइए, खाली जगह है, अंदर आ जाइए। चुलिया सिंह, चुलिया सिंह, आईना। अच्छा, क्या खाने आईना लगा हुआ था, गिलास
ये स्टोन थे सेवन ग्रेसेस बिकॉज़ दिस स्टोन इज कमिंग फ्रॉम इजिप्ट। अच्छा सोना यहां था अंग्रेज हिंदू कल्चर स्वास्तिका तुलसी जैसा पेड़ ओखने मुस्लिम ओखने बुद्धिस्ट ऊपर स्टार देखिए यहाँ शीशे रहते थे अंदर में कई जगह की लेवल में जहाँ बन गया राजस्थान अफगान प्रदेश सिक्किम महाराष्ट्र गुजरात शीश महल बनाया तब से भानु भाई बटन सीपी इधर से आती है। ये डिजाइन पर्शियन है ये कमल के फूल देखिएगा पर्शियन डिजाइन है कमल के फूल देखिएगा लोटस फ्लावर ये अनार है शरीफे की बेल उस तरफ ये अंगूर की बेल है ये तीन आइटम है शरीफा है इधर अनार है शरीफा अनार अंगूर ये दीवाने आम का अंदर का हिस्सा है इसका डायरेक्ट 25,000 की आबादी पूरे इलाके को ब्रिटिश के साथ साथ धनेश भाई जवाहर सिंह एंड मराठा पीपल ऑल्सो ये शहनशाह वहाँ बैठता था बीच के सेंटर पर साइड से बैठे थे मिनिस्टर डिस्कस होता था एक हिस्सा इसका दीवाना खासकर डैमेज किया जवाहर सिंह ने ये दरवाजे ऊपर जाने के लिए हैं दीने राय धर्म यहीं से चालू किया बट दी मैन दिस लॉटस फ्लावर फॉर द हिंदू कल्चर कमल का फूल सेम कल्चर ऑफ राजस्थान माउंट टापू और दिलवाला टेम्पल की तरह ये पिलर एक पीस के अंदर है जिसपे सारे धर्मों के डिजाइन बने हुए हैं। दी फर्स्ट फ्लाइट फ्रॉम दिल्ली पानीपत इब्राहिम लोधी एंड बाबू ये लेक विद वाटर और हमें लेक था पानी का जो लेक्स आगे बंद है वो एक रोड है जयपुर अजमेर शाह रोड नंबर 11 पूरा एरिया ये फौजी एरिया ये पानीपत की फाइट यहाँ पे नहीं नहीं ये कहने राणा सांगा बैटल ऑफ खान हुआ वो पानीपत इब्राहिम लोधी के साथ ये काफी तादाद में यहाँ तालाब बैरिंग वगैरह पानी के स्टोर फॉर द टैंक हमाम फैक्ट्रियाँ टकसाल खजाना महल घोड़ों के अस्तबल सारी चीजें और एनिमल्स के बांधने की जगह खास तौर से ऊँटों के लिए पूरा इलाका डैमेज हुआ और कुछ जिंदा है खजाना महल मिंट हाउस भी नीचे बना और ये की लकड़ी के दरवाजे लगे हुए थे ब्लैक एवेन्यू सब जवाहर सिंह यहाँ से ले गए। अच्छा ये बीच में जय डिजाइन लॉर्ड कृष्णा आर्किटेक्चर इस लाइन में देखिए मगरमच्छ बना हुआ है ये की लोटस फ्लावर्स पूरा महल जैन मंदिर डिजाइन पर बना हुआ है क्योंकि जैन मंदिर राजस्थान और गुजरात में उठते ही देर में सभी गेटों के अंदर है दरवाजे आगू स्टार्स बीच में गैलरी पैरा लेने के लिए उसके बाद जाली एक्का पीस जैसे वो जाली रखा हुआ हैवी जाली था बड़े साइज के गहनों की यहाँ टेबलें सजा दी जाती थी सर के मुकुट रहते थे जिन्हें ताज कहते हैं वो भी यहाँ रखे जाते थे छोटे साइज के गहने हरम का नाम और इसी महल के करीब में एक तो खजानची बैठा करता था जो लिखा पढ़ी करता था खजानची ये खजानची का सीट देखिएगा अलावा अकबर का एक ज्योतिषी था उसका नाम था पुरुषोत्तम दास ब्राह्मण वो भी बैठा करता था अब ये डिजाइन देखिएगा यहाँ से थोड़ा इधर आइएगा इसी हाँ इट इज सेम कल्चर ऑफ लाइक माउंट टापू एंड दिलवाला टेम्पल ये यहाँ देखिएगा मगर हो गया ये अब बनता है तोरण इसे मगर तोरण कहते हैं जैन डिजाइन और देखिए ये जो पीछे का हिस्सा है इसे भगोला डिजाइन से बनाए ये सब नष्ट हो चुका है बड़ी रानी पर्दा द्वारा हाथी ऊंट पर बैठ के नीचे दौलत खाने पर बगीचों को देखने के लिए जाया करती मतलब मीना बाजार यहाँ पे बैठते हैं। इसके पीछे सर्वेंट मार्केट लगती थी एक लेडीज माउस है इसी के अंदर एक पोस्ट ऑफिस था ये सारी दीवारें ऊंची थी ताकि कोई गैर मर्द न देखे पूरा महल सोने की पेंटिंग से लदा हुआ था और ये बड़ा रानी मरियम के लिए है ना ये पेंटिंग इसकी देखिएगा नष्ट हो चुकी है। ये ऊंट बना है कैनिस ये पालकी है अकबर बैठा है ये घोड़े पे सवार ये बगीचा है राउंड लगा के ये मोर है राजस्थानी कल्चर मतलब ये सब सोने की पेंटिंग थी हाँ ये बदक है ये पालकी है
ये आमेर फोर्ट है जयपुर का, ये गणेश है, गणेश बाहर इसकी काली लक्ष्मी हनुमान की मूर्ति बनी हुई है। हाँ। ये घोड़े हैं, और ये फौजी लड़ते हुए तलवार के साथ सामने। रानी यहीं से जाती थी इस स्टेप द्वारा, बाई पर्दा सिस्टम एक दूसरे महल के अंदर। और फ्लावर्स देखिएगा, हॉर्स पूरा सोने का था, सुनहरा महल कहते हैं क्या, सुनहरा महल। विश्राम करते हैं पूरा पेंटिंग अंदर बाहर से सारा पेंटिंग था। वो तस्वीर देखता है लाल कृष्ण राधा जैसे, ये अकबर के सिंहासन का था, सब डैमेज हुआ क्योंकि टाइम ज्यादा हो गया। ये सीढ़ी जैसे ऊपर जा सकते थे, दो रास्ते थे। ये पूरा पेंटिंग इस पूरे प्लेस को सिविस्तान इकबाल्स कहा जाता है। शहनशाह का मैन हरम इस महल में रहा करता था, मैन लेडीज इसे हवेली कहते हैं। राजस्थानी कल्चर पे है, अगाड़ी समय रानी यहाँ तुलसी के पेड़ की पूजा करती थी और ये मंदिर था लॉर्ड कृष्णा रानी के लिए। दूठो महल बनाया, ये ऊपर जो ब्लू वाला देखते हैं ये समर हाउस, हिंदू तो ब्लू वाला नहीं, तुलसी नहीं है अभी, और इधर वाला जो है वो विंटर हाउस था तो अगाड़ी समय। और ये चार साइड से घर देखो ना, भी कि फोर्थ साइड फॉर द स्पेशल सर्वेंट, उसमें खोजा लोग भी रहता था बढ़िया किस्म का। इसके पीछे निचली हरमसराय का एरिया, यहाँ लेडीज ड्यूटी पर रहा करती थी, फोर क्लास की, थ्री क्लास की, नंबर दो और नंबर एक ये यहाँ पैलेस में रहते। जोधाबाई पैलेस पूरा जोधाबाई पैलेस এটা হচ্ছে সিগ্রি সবথেকে বড় প্যালেস, যতগুলো রানী ছিল আকবরের আমরা দেখেছি, মারিয়ামের প্যালেসও দেখেছি, রাধাকৃষ্ণের মন্দির। এটা হচ্ছে যোধাবাইয়ের সামার প্যালেস, এটা হচ্ছে উইন্টার প্যালেস, এটা হচ্ছে সামার হাউস, আর এটা হচ্ছে উইন্টার হাউস। এটা হচ্ছে সেই রাধাকৃষ্ণ টেম্পলের ভেতরটা, তো আমাদের সিক্রি দেখাও শেষ হয়ে গেল, আশা করি তোমাদেরকে পুরোটাই ভালো করে দেখাতে পেরেছি আমি। আর এখন যাচ্ছি আমরা তাজমহলের কাছাকাছি একটা হোটেল থাকবো, কালকে ভোরবেলা তাজমহল দেখব, তো সন্ধেবেলা হোটেলে গিয়ে তারপর আবার তোমাদের সাথে কথা বলবো। আচ্ছা তোমাদের একটা কথা বলে রাখি যে ফতেপুর যারা আসনি ফতেপুর সিক্রি, তো ফতেপুরে কোনো চার্জেস নেই, এন্ট্রি ফি মানে ফ্রি একদম। আর সিক্রিতে ঢুকতে গেলে 50 টাকা পার হেড, যদি অনলাইন টিকিট কাটো 45 টাকা পার হেড। আর অবশ্যই এখানে গাইড নিয়ে নো, কারণ গাইড ছাড়া তোমরা কিছুই বুঝতে পারবে না, ভালো দেখে গাইড নিও, এখানে গভর্নমেন্টের রেজিস্টার্ড গাইড আছে, তো একটু বার্গেন করতে পারলে খুব ভালো। যেমন আমি 300 টাকায় পেয়েছি গাইড, আর খুবই ভালো ছিল গাইডটা, নাহলে 450 টাকা এখানকার রেট। তো গাইড নিলে তোমরা ফতেপুর সিক্রি দুটোই খুব ভালোভাবে ঘুরতে পারবে, দেখতে পারবে, জানতে পারবে অনেক কিছু হিস্ট্রির ব্যাপারে, যেটা তো আমরা সবাই অনেকে জানিই না বলতে গেলে। তো যাই হোক, এখন আমরা যাচ্ছি হচ্ছে হোটেলে যাব, সেখানে গিয়ে ফ্রেশ ট্রেশ হব হয়ে, তারপরে আবার হোটেলে গিয়ে তোমাদের সাথে গল্প করব। তো এখন বাজে হচ্ছে রাত 9টা, আমি অর্থ মা বাবা আমরা এসেছি একটা রেস্টুরেন্টে খেতে, কারণ আমরা যে হোটেলটাতে থাকছি সেটা ভেজ হোটেল, তো সেখানে ননভেজ অ্যালাউড নয়। তো এখানে এসেছি বিরিয়ানি অর্ডার করেছি, কারণ এখানকার বিরিয়ানি মানে লখনউ আন্দ্রা এইসবকার বিরিয়ানি খুবই ফেমাস। তো আমরা মাটন বিরিয়ানি অর্ডার করেছি, বাবা মা রুটি আর চিকেন। তো এখনও খাবার সার্ভ করেনি। হোটেলটা আমরা যে হোটেলটাতে রয়েছি সেই হোটেলটা বেশ সুন্দর,
রুম রেন্টও খুব মানে কমই, ট্যারিফটাও ভালো, ট্যারিফটাও খুব কম, 1000 rupees পার নাইট, মানে পার ডে। তো বাট রুমসগুলো খুব পরিষ্কার, ক্লিন ক্লিন আর খুব মানে বড়ো রুম, রুমগুলো বেশ মানে স্পেস ভালো রুমে। তো হোটেলটার নাম হচ্ছে দাওয়াত প্যালেস, তাজমহলের থেকে ডিস্টেন্স 5 to 7 minutes ওয়াকিং। তো ভালোই হোটেলটা, তোমরা এখানে এসে থাকতে পারো যারা এখানে আসেনি এবং তাজমহল দেখতে, হোটেল দাওয়াত প্যালেসে, ভালো হোটেল। তো এনিওয়ে আবার হোটেলে গিয়ে কথা বলবো, তখন ডিনারটা সেরে নিই। তো আমরা এখন এই জাস্ট হোটেলে ঢুকলাম, বিরিয়ানিটা খুবই ভালো ছিল খেতে, মানে দারুণই ছিল বলতে গেলে। এই আজকে তাড়াতাড়ি ঘুমিয়ে পড়বো, তার কারণ হচ্ছে কালকে 6টার সময় টার্গেট করেছি, 6টায় যাবো, কারণ প্রচণ্ড লাইন পড়ে তাজমহলে, যারা গেছো তোমরা তারা নিশ্চয়ই জানোই। তো 5:30 to 6টায় না গেলে লাইন আর একটু বেশিই পড়ে যাবে, তাই জন্য যত ভোরবেলা যাওয়া যায় তত লাইন এড়ানো যাবে আর কি। এনিওয়ে আজকের ব্লগটা আমি এখানে শেষ করছি, আশা করি তোমাদের ফতেপুর সিকরি আমি ভালোভাবে দেখাতে পেরেছি। যদি ভিডিওটা ভালো লেগে থাকে তাহলে লাইক করো, কমেন্ট করো, শেয়ার করো, আর আমার চ্যানেল দ্য উইকেন্ড ডায়েরিজকে অবশ্যই সাবস্ক্রাইব করো। ইনস্টাগ্রামে লিঙ্ক নিচে দেওয়া আছে, ইনস্টাগ্রামেও ফলো করো আমাকে। তো কাল আবার দেখা হচ্ছে, তোমাদেরকে তাজমহল দেখাবো, আগ্রা ফোর্ট দেখাবো, অনেক প্ল্যান। টিল দেন টেক কেয়ার, গুড নাইট, গুড বাই অ্যান্ড লাভ ফ্রম দ্য উইকেন্ড ডায়েরিজ।